हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारे शरीर की एक जैविक घड़ी सर्कैडियन रिदम के बारे में। जैसे कि एक ये घड़ी है और इसकी हेल्प से हम अपने सभी काम सही समय पे कर पाते हैं, है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में भी, हमारे इनफैक्ट ब्रेन में हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस उस घड़ी के हिसाब से चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी इस जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक सर्कैडियन रिदम के बारे में। जानेंगे कि ये क्या होती है, कहाँ होती है और ये कैसे फंक्शन करती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस घड़ी को सही रखना क्यों ज़रूरी है और इसमें बदलाव के क्या नुकसान हैं। और वीडियो के लास्ट में हम ये जानेंगे कि इस घड़ी को, इस बायोलॉजिकल क्लॉक को किस तरह से रेगुलेट किया जाना चाहिए, इसको किस तरह से हम रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या है बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि सर्कैडियन रिदम। हम सब में से अधिकतर लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि दिन भर में हमारी जो अलर्टनेस है या जो हमारा अराउजल लेवल होता है या एनर्जी लेवल होता है वो दिन भर में एक जैसा नहीं होता, उसमें फ्लैक्चुएशंस होते रहते हैं। कभी हम बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करते हैं, एक्टिव फील करते हैं और कभी हमें लगता है कि हम बहुत थके हुए हैं और हमें नींद आ रही है ना। तो ये सब होता है हमारे इस एक बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि सर्कैडियन रिदम के थ्रू। ये हमारी फ्लैक्चुएशन इन अलर्टनेस, हमारे मूड्स, हमारे हार्मोनल बैलेंस, हमारा स्लीप वेक साइकिल और हमारी ओवरऑल पीरियडिसिटी को डिसाइड करती है। ये हमारे बॉडी का एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है। और आप में से बहुत लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि ये जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है सर्कैडियन रिदम, इट इज़ रेगुलेटेड बाय लाइट। चलिए समझते हैं कैसे। ये जो वर्ड है सर्कैडियन, एक्चुअली अ लैटिन टर्म जिसका मतलब है अराउंड एंड डे, यानी कि एक 24 घंटे का, 24 आवर्स का अप्रॉक्सीमेट एक साइक्लिक, एक पीरियडिक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हमारे सारे फंक्शंस रेगुलेट होते हैं। और ये चलती है हमारे एनवायरनमेंट में कितनी लाइट अवेलेबल है उससे। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा सेंटर है, एक छोटा सा पार्ट है, इसको कहते हैं हम हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस में एक छोटा सा सेंटर होता है जिसको कहते हैं सुप्राक्यास्मेटिक न्यूक्लियस। ये एक ग्रुप ऑफ सेल है जो हमारे एनवायरनमेंट में कितनी लाइट अवेलेबल है इसकी इन्फॉर्मेशन सुप्राक्यास्मेटिक न्यूक्लियस तक पहुंचती है हमारे रेटिना की गैंग्लियन सेल से। जब लाइट हमारी आईज में एंटर करती है तो रेटिना की जो गैंग्लियन सेल हैं नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करती हैं इस छोटे से सेंटर सुप्राक्यास्मेटिक न्यूक्लियस को। और फिर ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से पहुँचाई जाती है पाइनियल ग्लैंड को। फ्रेंड्स, पाइनल ग्लैंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये पाइनल ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करती है, मेलाटोनिन। एंड एक्चुअली मेलाटोनिन इज द हार्मोन विच प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्लीप एंड वेकफुलनेस। ये मेलाटोनिन हमें स्लीप इंड्यूस करने में हेल्प करता है, हमारी सर्कैडियन रिदम या हमारी जो पीरियडिसिटी है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसको रेगुलेट एंड मेंटेन करता है। सो मेलाटोनिन बेसिकली सीक्रेट होता है ड्यूरिंग डार्क टाइम। जब रात का वक्त होता है तब ये ग्लैंड, ये हार्मोन मेलाटोनिन सीक्रेट करती है जो हमें नींद लाने में, हमारी नींद को इंड्यूस करने में हेल्प करता है, नींद को स्टिमुलेट करता है। वैसे तो हमें नेचर ने रात को सोने के लिए और दिन में काम करने के लिए बनाया है, लेकिन जब हमने लाइट का आविष्कार किया और बल्ब का आविष्कार हुआ तो हम लोग रात में भी जागने लगे और देर तक जागने लगे और देर तक काम करने लगे। जिससे होता क्या है, जब हम आर्टिफिशियल लाइट के इन्फ्लुएंस में रहते हैं तो हमारा ये जो बायोलॉजिकल फंक्शन है, ये जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है अंदर की सर्कैडियन रिदम, ये डिस्टर्ब हो जाती है। ब्रेन को ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी दिन है और जो हमारी पाइनल ग्लैंड है वहाँ पर ये मैसेज जनरेट होता है अभी बहुत लाइट है चारों तरफ, तो ये मेलाटोनिन हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है ये डिले होता है, मतलब ये नहीं सीक्रेट हो पाता, जैसे हम नींद नहीं ले पाते और देर तक जागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, या फिर जैसे आजकल लोग मोबाइल पर या कंप्यूटर पर या मूवीज़ देखते रहते हैं। तो होता क्या है, इससे हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमको जितनी भरपूर नींद लेनी चाहिए हम उतना नहीं ले पाते। स्लीप डिप्राइवेशन का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर होता है एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। सो ये तो हुई बायोलॉजिकल क्लॉक।
अब बात करते हैं इसको सही रखना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि ये घड़ी है और इसका टाइम आप बिल्कुल सही सेट करके रखते हैं ना, और हम तभी इस पर डिपेंड हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को भी रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है, एक सही सेट रख एक नॉर्मल पेस पे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल क्लॉक ही हमारी ओवरऑल पीरियडिसिटी को डिसाइड करती है, हमारी स्लीप एंड वेकिंग साइकिल को डिसाइड करती है, हार्मोनल रेगुलेशन करती है, इसके अलावा मेटाबॉलिक जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको रेगुलेट करें। आप में से कुछ लोगों ने जेट लैग एक्सपीरियंस किया होगा। जेट लैग सबसे अच्छा एग्जांपल है बायोलॉजिकल क्लॉक के डिस्टर्बेंसेस का। जो लोग जेट लैग फील करते हैं उन्होंने फील किया होगा कि बहुत ज़्यादा वो डिसओरिएंटेड फील करते हैं, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या मूड स्विंग्स या इस तरह से जो उनकी अलर्टनेस होते हैं, अराउजल लेवल है वो बहुत डिस्टर्ब होता है। या फिर जो लोग शिफ्ट में वर्क करते हैं जैसे डॉक्टर या पुलिसमैन, तो शिफ्ट वर्क से भी हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो लोग नाइट शिफ्ट में वर्क करते हैं उनका हमेशा स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, एंड स्लीप डिप्राइवेशन का सीधा सा असर होता है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर एंड हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस पर। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि लंबे समय तक इस बायोलॉजिकल क्लॉक में डिस्टर्बेंस होने से हमारे शरीर में क्या बदलाव होंगे, क्या नुकसान होंगे। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि सर्कैडियन रिदम के डिस्टर्ब होने का सबसे पहला असर पड़ता है हमारे स्लीप पैटर्न पर। जब रात होने लगती है हमारी बॉडी सोने की तैयारी कर रही होती है, और अगर हम उस समय पे कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं और उस समय को डिले करते हैं जो हमारा स्लीप टाइम होना चाहिए, और उस समय कुछ लोग बहुत देर तक खाना भी खाते हैं, लेट नाइट खाना या लेट नाइट एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा ये जो स्लीप वेकिंग टाइम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन है वो डिले होता है, जिससे हम जो नींद लेने का जो प्रॉपर टाइम है जिस समय हमें सोना चाहिए उस समय हमें नींद नहीं आती है। बायोलॉजिकल क्लॉक के डिस्टर्ब होने से Type 2 diabetes डेवलप होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेज, हाई BP, ये सब बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ जाता है। अक्सर ऐसे देखा गया है कि जो लोग रात लेट नाइट जागते हैं तो वो लेट नाइट तक बहुत कुछ खाते भी रहते हैं। तो बेवक्त पे खाना एंड बेवक्त पे सोना हमारे इस बायोलॉजिकल सिस्टम को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। लंबे समय तक बायोलॉजिकल क्लॉक के डिस्टर्ब रहने से सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे हार्मोनल प्रोडक्शन पर, जो हमारी ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक के डिस्टर्ब होने का एक सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारे मूड्स पर। जो लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं अक्सर देखने में आया है कि जो उनके इमोशनल एस्पेक्ट होता है वो बहुत वीक होता है। इसके अलावा उन लोगों में जिनका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब है उनकी जो रीजनिंग एबिलिटी होती है या लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा पुअर होती है। उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यानी कि सही समय पे सही फैसले लेने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। उनमें लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से लर्निंग एबिलिटी भी बहुत कम होती है, एंड वर्क इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी भी बहुत ड्रास्टिकली सफ़र करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक का रेगुलेट होना, सही से काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ छेड़छाड़ करने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह से हम हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में बात की कि जो हमारी ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है सर्कैडियन रिदम, ये ऑपरेट होती है, रीसेट होती है बाय सनलाइट एंड स्पेशली मॉर्निंग सनलाइट से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सुबह एक ही समय पर उठें और सुबह उठने के बाद में थोड़ा सा सनलाइट का एक्सपोजर लें। इसके साथ ही कोशिश की जानी चाहिए कि रात को भी आप एक ही तय समय पर सोएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वीकेंड्स पर बहुत देर तक जागते हैं, देर से सोते हैं और फिर सुबह देर तक सोते रहते हैं, यानी कि देर से जागते हैं। यही हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो ये जो एंजॉयमेंट है ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा टाइम बे टाइम ना सोएं ना खाएं। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एक तय समय पर ही सोना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है दिन में, आप थोड़ा सा नैप ले सकते हैं, वो भी थोड़ी सी देर के लिए। या दिन में बहुत ज़्यादा सोना या शाम के वक्त बहुत ज़्यादा सोना, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा टाइम बे टाइम खाने से भी बचें। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं, लेट नाइट जगते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं या मूवीज़ देखते रहते हैं, तो उसके साथ में वो कुछ स्नैक्स खाते रहते हैं। तो आप 1:30-2 बजे अगर खाना खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को रेस्ट नहीं मिल सकता।
क्योंकि उनको एक इम्पॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, उस जो आप खा रहे हैं उसको उनको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। स्पेशली रात के समय आप जो खाना होता है आपका, वो आप सोने से बहुत देर पहले ले लें, यानी कि अगर 10 बजे सोते हैं तो आपको 8 बजे तक अपना रात का खाना खा लेना चाहिए। इनफैक्ट कुछ लोग रात को सोते वक्त चाय या कॉफ़ी पीते हैं, ये भी सही नहीं है। रात में सोने के समय हमें चाय या कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल क्लॉक को जो डिस्टर्बेंस मिलता है वो है ब्लू LED लाइट से। तो कोशिश करें कि रात में सोते समय किसी भी तरह के स्क्रीन्स को आप अवॉइड करें, क्योंकि जो ब्लू LED लाइट होती है ये 5 times हमारे मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है। इसलिए LED लाइट को या लाइट एक्सपोजर को रात के समय अवॉइड करें। और एक सबसे ज़रूरी बात, आजकल टाइम की कमी है तो जो लोग फिटनेस कॉशियस होते हैं, कुछ लोग लेट नाइट एक्सरसाइज भी करने लग जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। रात के वक्त एक्सरसाइज करने से बचें, रात के वक्त इनफैक्ट किसी भी एक्टिविटी से बचना चाहिए हमको। तो ये वो समय है जब हमें एक्चुअली किसी भी तरह की लाइट से या किसी भी तरह की एक्टिविटी को रिड्यूस करना चाहिए। ये टाइम है जब हमारी माइंड एंड हमारी बॉडी रिलैक्स होने की कोशिश करती है, एंड उसमें स्लीप इंड्यूस होने की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि मेलाटोनिन प्रोडक्शन का टाइम होता है। तो अगर आप उस टाइम पे लाइट का एक्सपोजर देंगे या एक्टिविटी लेवल अपना इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे मेलाटोनिन जो हार्मोन है उसका प्रोडक्शन सप्रेस हो जाएगा, और ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को, हमारे स्लीप वेक पैटर्न को डिस्टर्ब करता है। सो फ्रेंड्स, जैसे हम हमारी इस घड़ी को सेट करके पहनते हैं और फिर उस पर डिपेंड होते हैं, वैसे ही हमें हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को भी सेट रखना चाहिए, रेगुलेट रखना चाहिए। और अगर आप ये नोटिस करें कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब है तो वापस से उसको रीसेट करें एंड अपनी हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।